पाए हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी और लखनऊ से एक बड़ी अपडेट आ रही। यूपी में आज से ओपीडी सेवा शुरू हो रही है। ओपीडी के साथ में दूसरी मेडिकल सर्विस शुरू की जा रही है। कोविड नियमों का पालन करना जरूरी होगा और तीमारदारों की संख्या सीमित रखनी होगी। संदिग्ध मरीजों के लिए अलग व्यवस्था की जा रही है। तो कोरोना की वजह से ओपीडी सेवाओं को बंद कर दिया गया था। जब संक्रमण के मामले कोरोना के बढ़ने लगे थे यूपी में, तो सभी अस्पतालों में ओपीडी की सेवा बंद कर दी गई थी। लेकिन अब कोरोना पर जब थोड़ी बहुत लगाम लगती दिखाई दे रही है, तब उत्तर प्रदेश सरकार ने फिर से सभी अस्पतालों में ओपीडी की सेवाएं शुरू करने के आदेश दे दिए हैं। लखनऊ से हमारे संवाददाता नीरज श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ में। नीरज, कई महीनों बाद आज फिर से ओपीडी की सेवा, जो विभिन्न अस्पताल हैं, सरकारी अस्पताल है, प्राइवेट अस्पताल है, वहां पर ओपीडी की सेवा फिर से एक बार शुरू की जा रही है। हालांकि इस दौरान जो कोरोना के नियम बनाए गए, कोरोना गाइडलाइन बनाई गई, उसका खास ख्याल रखा जाएगा। जी धीरेन्द्र, हम आपको बताना चाहेंगे, लगभग 6 माह बाद कोरोना के संक्रमण के चलते पूरे उत्तर प्रदेश के सभी अस्पतालों में ओपीडी सेवा समाप्त कर दी गई थी। मरीजों को ऑनलाइन या गंभीर मरीजों को ही खाली इंटरटेन किया जा रहा था। लेकिन आज महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य ने एक आदेश जारी किया है कि उत्तर प्रदेश के सभी अस्पतालों में ओपीडी सेवा शुरू की जाएगी। लेकिन कोविड को ध्यान में देखते हुए ये सेवा शुरू की जाएगी। ओपीडी के साथ साथ दूसरी मेडिकल सर्विसेज भी आज से शुरू होंगी। कोविड नियमों का पालन करना बहुत जरूरी होगा। जो भी तीमारदार होंगे मरीजों के साथ, उनकी संख्या सीमित रखनी होगी। और जो संदिग्ध मरीज होंगे, जिनके अंदर जरा भी लक्षण होगा या बुखार का या सिम्टम, इस तरह का कोई भी सिम्टम होगा, उनकी व्यवस्था अलग से की जाएगी, उनके ट्रीटमेंट की अलग से व्यवस्था बनाई जाएगी। और ओपीडी में सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखना होगा। जिस तरह से दुकानों के बाहर या बाजारों में गोले बनाए जा रहे हैं, उसी तरह से अस्पतालों में इस तरह की व्यवस्था बना के आज से ओपीडी सेवा शुरू की जा रही है। जी, सारी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत